से कहा मम्मी मैं छत का गेट लगा जाता हूँ। फिर क्या हुआ था वहाँ? दोनों के घर में एक ने कराई है ने, और एक के द्वारा दोनों पे अटैक हुआ है। ये नारियल के द्वारा, नींबू के द्वारा, उसके एक हफ्ता पूर्व आपके घर में उसका प्रभाव यही है। दोनों लोग देखिए, आपके बच्चे का चित्र बन रहा है ना, उसके नारियल अंडे के द्वारा अपन नंबर को बढ़ाते हुए इनको आगे भेज देना, क्योंकि इससे बड़ा कोई दान पुण्य नहीं होगा, इससे बड़ा कोई सहयोग नहीं होगा। आ जाओ, आ जाओ, कोई बात नहीं। भगवान किसी को ऐसा दिन ना दिखाए। माता पिता के लिए पुत्र शोक से बड़ा कोई शोक नहीं होता, संतान से बड़ा कोई ऐसी घटना घट जाए तो इससे बड़ा कोई क्या दर्द होगा, इससे बड़ा कोई दर्द नहीं। हम तो यही कहेंगे भगवान सबको हिम्मत दे, ताकत दे, इस प्रकार किसी के साथ ऐसी घटना ना घटे। ईश्वर उनकी आंखों को पुनः रोशनी देवे, उनको हृदय को मजबूत करें। हमारा साधुवाद आशीर्वाद। आइए बेटा, बेटा ऐसे बैठो, मैया सीधी बैठो, आप भी बैठ जाओ। आप कौन है? पति? दोनों माताएं सामने आओ, बराबर से आओ, वहीं बैठिए। आप रोइए, मई रोइए मत। माइक दीजिए, माइक दीजिए, माइक दो, माइक उनको। क्या बोल रही है? मेरा बेटा है ना, किसी ने मारा था छत पे फांसी लगा के। ओ, छत पे गया तो 10 मिनट में मार दिया उसको। मैं ऊपर गई तो मुझे ना ऐसे लटका हुआ मिला, वो कपड़े सुखाने वाली तार पे। चलिए ऐसा करते हैं, आधा आधा कर देते हैं। ऐसी स्थिति में ये दोनों एक पर्ची के दो टुकड़े कर देते हैं, संतुष्ट इसी तरह से कर सकते हैं। अब आगे ईश्वर कृपा करें। आपका बच्चा कैसे खत्म हुआ? मुझे तो है ना, मुझसे कहा मम्मी मैं छत का गेट लगा जाता हूँ। फिर क्या हुआ? तो वो छत पे गया। हाँ। तो उसने कहा मैं 5 मिनट में आ जाएगा वो टॉयलेट करके गेट लगा के, लेकिन वो नहीं आया। 10-15 मिनट हो गए, मैं छत पे गई तो मुझे वो नया कपड़े सुखाने वाली ढोरी पे टावल सूख रही थी, जिससे ना उसके गले में ऐसे बल लगा लगा के और तार डोरी के बांध रखा था कपड़े सुखाने वाली के। क्या लिखा भैया, क्या लिखा दिखाई दे रही है आपको? सब लोग पढ़ पा रहे हैं? पीछे हमने लिखा है कि ये थोड़ा फट गया तो हमने ये टुकड़ा अलग रख दिया इसको, तो हमने यहां लिखा है फांसी द्वारा मरा, घर में चौकी कराई है और ये चौकी दोनों के घर में एक ने कराई है गुजर ने, और एक गुजर वंश के द्वारा दोनों पे अटैक हुआ है। ये नारियल के द्वारा, नींबू के द्वारा, उसके एक हफ्ता पूर्व आपके घर में चौकी रखी गई थी, उसका प्रभाव यही है। बाबा मुझे कुछ ही नहीं पता, वो अकेला। और इसके लिए आप हमसे सुबह मिले, हम आपको मार्गदर्शन करेंगे। और क्योंकि प्रश्न तो क्लियर ही हो गया कि आपके लोग बच्चे खत्म हुए, हमने आपके बारे में ये लिखा है, सुनिए। विनायक मरा है, पठान बाबा ने दिमाग खराब कर दिया था, ग्राम सुच्चापुर में मरा है। आपका सुच्चापुर क्या है? गांव है हमारा। माइक से बोलिए, दीजिए। गांव है हमारा पैतृक। दोनों लोग हमसे सुबह मिलिए, बिल्कुल दोनों के दोनों बच्चे घर में आएंगे, हमारा आशीर्वाद है। बोलो पड़े तुम्हारे बाबा की जय, बोलो आती बार महाराज की जय। लो माता जी, आप देखिए शांत रही थोड़ी आती है। दोनों लोग देखिए, आप देखिए, आपके बच्चे का चित्र बन रहा है ना, मुझे आपका। जाओ दोनों को सुबह
हाथ में सौंप करके एक एक त्रिफल पर ले जाइए और समय आ जाने पर डॉक्टर चिकित्सा विज्ञान के माध्यम से दोनों के दोनों बच्चे वापस होंगे। आशीर्वाद है आपके दोनों के पर्चे हमारे जेब में है, मैं सुबह दूंगा दरबार में। राजू भैया दोनों फैमिली को किसी का भी नंबर हो, दोनों सब लोग वहां पर यदि जिसका नंबर आज चल रहा हो सुबह, क्योंकि भीड़ रहती है, क्योंकि दिन भर में 500,000 लोगों से मिलना पड़ता है, तो वहां इनको मदद करते हुए अपने नंबर को बढ़ाते हुए इनको आगे भेज देना, क्योंकि इससे बड़ा कोई दान पुण्य नहीं होगा, इससे बड़ा कोई सहयोग नहीं होगा। जाइए, अरे चाहो इस विनायक को पठान बाबा ने मारा, उस विनायक को फांसी द्वारा मारा, उसके नारियल अंडे के द्वारा चौकी रखी गई, और वो बच्चा जो छत पर मरा उसके अंदर का बनियान उससे 6 महीने पहले वस्त्र चोरी किया गया, उसके कारण बच्चा खत्म हुआ। आपके बच्चे की बनियान गई थी हा? क्या गई थी? 6 महीने पहले। धन्यवाद, जाइए पहुंचो, बोलिए परम पूजपाद सतगुरुदेव भगवान श्री आदिमान महाराज की। अब आप सब लोगों से हम चाहते हैं सहयोग, क्योंकि इंसान हम भी हैं, और भगवान से प्रार्थना करें कि मेरी बुद्धि मेरी ताकत मजबूत रहे। और दिल्ली वाली माता जी, ना तुम्हारा बच्चा परीक्षार्थ शोध में आया है, तुम्हारे बच्चे को दरबार में ही मिलूंगा, बंद कमरे में नहीं मिलूंगा। नहीं आए, तुम्हारी पर्ची के लिए सुबह के लिए आदेश हो गया, चलो जाओ, लेकिन तुम्हारे बच्चे से यही मिलूंगा, क्योंकि जंगल में मोर नाची देखा किसने, ठीक है? बच्चा तुम्हारा है तो बच्चा हमारा भी है, लेकिन बच्चे को संतुष्ट करना हमारा कर्म है। जय जय श्री राम।